कि दहशतगर्दी की एक ऐसी लहर आई थी कि किसी की जान और माल महफूज नहीं थी, लेकिन इससे हमारे लोग किसी सूरत में भी यूं नज़र नहीं आया कि घबरा गए हैं या पीछे हट गए हैं, बल्कि अल्लाह के करम से आगे बढ़ते गए और उस सूरत हाल का बहादुरी से मुकाबला करते हुए इसमें हुकूमतों की तब्दीली भी हुई और हमारी हुकूमत जब आई तो सबसे हमारे बड़े चैलेंजेस यही थे जिसकी हमारे वज़ीर आज़म मियाँ नवाज शरीफ साहब ने इलेक्शन से पहले ही अपने मैनिफेस्टो में भी जिक्र किया था और कहा था कि हमारा सबसे बड़ा चैलेंज जो है वो दहशतगर्दी का खात्मा है और इस मुल्क में अमन व अमान का क़याम है, क्योंकि अमन व अमान होगा तो मुल्क तरक्की करेगा। ये बुनियादी चीज़ अगर ना हो, अमन व अमान ना हो, तो यकीन करें बड़ी बड़ी अक़वाम जो है वो पीछे रह जाती हैं। तो इसी चीज़ को मंदर नज़र रखते हुए वज़ीर आज़म साहब ने जब अल्लाह के करम से इलेक्शन के नतायज आपके सामने आए और मुस्लिम लीग नून अक्सरियत से हुकूमत में आई तो उसके साथ ही मियाँ साहब के लिए काफ़ी मुश्किलात पैदा करने की कोशिश की गई, लेकिन वो किसी सूरत में भी घबराए नहीं, पीछे नहीं हटे। हालांकि धरना पॉलिटिक्स एक ऐसी मूवमेंट थी जिससे और तो छोड़ें जो जो मुल्क में प्रोग्राम थे वो ज़रूर उससे मुतासर हुए हैं, लेकिन जो वादा कौम से किया था मियां नवाज शरीफ साहब ने, उन्होंने दहशत गर्दी का और मुल्क में अमन अमान के क़याम का और मुल्क में जो एनर्जी क्राइसिस था उसके ख़ात्मे का भी जिक्र किया था और साथ ही साथ इकॉनमी को स्टेबल करने की बात की थी। तो धरना पॉलिटिक्स का मुकाबला भी उन्होंने किया, लेकिन वो अल्लाह के करम से कोई घबराए नहीं, उन्होंने अपना पहले चैलेंज जो था वो दहशतगर्दी ही समझा और उसके लिए एक फैसला कुन मोड़ पर पहुंचना था। पहले उन्होंने मुज़ाकरात के ज़रिए कोशिश की, कमेटीज़ बनाई, कोशिश की, लेकिन जब उसमें कामयाबी नज़र नहीं आई तो उन्होंने ये ज़रूरी समझा कि मज़ीद अपनी कौम को इम्तिहान में नहीं डाला जा सकता, उनको मज़ीद दहशतगर्दी के हवाले नहीं किया जा सकता। और एक बहुत बड़ा फ़ैसला जो कि आसान फैसला नहीं था, उस पर पहले भी बहुत गौर हो चुका था, हुकूमतों में ने भी गौर किया था, लेकिन ये फैसला करना कि हमने दहशतगर्दों के ख़िलाफ़ ऑपरेशन करना है, ये बहुत बड़ा फ़ैसला था। और वज़ीर आज़म मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने ये एक तारीखी फ़ैसला किया कि जब मुज़ाकरात से बात नहीं बनी तो उन्होंने ऑपरेशन ज़रबे अज़ब का ऐलान किया और उस पर अफवाज पाकिस्तान को जितनी भी खराज तहसीन पेश की जाए वो मैं समझता हूँ कम है, क्योंकि मैंने खुद जाकर एज गवर्नर हल्फ उठाने के बाद मैंने फ्रंट्स पे जाकर देखा, ऐसी ऐसी जगहों पे गया हूँ कि जहाँ
अल्लाह के करम से कोई पहले नहीं गया होगा, मैंने खुद जाकर देखी है और जिस डिफ़िकल्ट टेरेन में हमारी अफवाज ने मुकाबला किया है उसको देखकर, उस जगह को देखकर, उस इलाके को देखकर, उस टेरेन को देखकर अंदाज़ा होता है कि वाकई पाकिस्तान की अफवाज इंशाल्लाह दुनिया की बदतरीन अफवाज में शुमार होती हैं। उसके बाद कामयाबी के बाद आज अल्लाह के करम से हम कह सकते हैं कि मुल्क से दहशतगर्दी का खात्मा 80% तक हो गया है। मैं ये नहीं कहता कि हम बिल्कुल क्लियर कट निकल आए हैं और अब कुछ ख़तरा नहीं है, उसकी बाकियात 20% कह लें, 15% कह लें, बाकियात जो हैं वो हेडक्वार्टर्स तो उनके नहीं रहे लेकिन वो मुल्क भर में फैल गए और ख़ासकर हमारे सूबे में आपने देखा कि ये छोटे ग्रुप्स जो हैं ये फैलने के बाद इजी टारगेट्स ढूंढते हैं और इजी टारगेट्स में कुछ वाक़यात जो हुए हैं वो आपके सामने हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या हुआ, मर्दान में जो वकला बार पे वो हुआ, उसके अलावा पेशावर में और वाक़यात भी ऐसे सामने नज़र आए दहशतगर्दी के, लेकिन अल्लाह के करम से ये बात वाज़े है कि अब इस शहर में किसी को ये ख़तरा महसूस नहीं होता कि मैं घर से कैसे निकलूँगा। देखिए जी, मैं आपको ये बताऊं, आपने दो जजेस की बात की, ये हमारे जो कानून है और जो कोर्ट्स हैं और हमारे सुप्रीम कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट्स जो हैं या दूसरे कोर्ट्स हैं, जहाँ पर फैसला किया जाता है और जिसको तस्लीम किया जाता है वो उसे कहते हैं मेजॉरिटी डिसीजन, चाहे वो एक आदमी का हो चाहे दो आदमियों का हो। यहाँ 3-2 का था, 2 जो हैं वो एक उनका इख्तिलाफी नोट हो सकता है लेकिन दे वर पार्ट ऑफ इट और जो मेजॉरिटी आई उनको भी ये एक्सेप्टेबल हो जाता है और उसमें अगर ये जो इख्तिलाफी नोट होता है तो ये तो फिर जब वो केसेस रिपोर्ट होते हैं और उसमें उसका जिक्र थोड़ा बहुत, अदरवाइज तो When it is a majority decision, you cannot challenge that. So, ये challenge नहीं हो सकता कि ये majority क्यों आई है, majority हम नहीं मानते, हम minority को कैसे मांगे मानेंगे, फिर तो कोई बात पूरी नहीं हो सकती या कोई फैसला नहीं हो सकता या कोई इलेक्शन है एक वोट से भी कोई जीत जाए तो कहते हैं जी बस ये जीत गया ठीक है। तो ये इसी तरह यहाँ पर तो हज़ारों के नहीं होते, यही 2-3 की बात होती है, उनमें से 1 या 2 का मेजॉरिटी की बात होती है। यहाँ पर अल्लाह के करम से ये मेजॉरिटी डिसीजन है विच हैज़ टू बी एक्सेप्टेबल टू द जुडिशरी एंड टू द नेशन। ठीक है जी, मैं आपको बताऊं, आपका सवाल मैं समझ गया हूं, लेकिन आप ये देखें कि ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन आज फैसले में आया लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने आपको पहले ही ऑफर कर दिया था कि मैं जॉइंट इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूं, किसी किस्म इन्वेस्टिगेशन आप चाहते हैं मैं इसके लिए तैयार हूँ, कहा था या नहीं कहा था? बिल्कुल, दिस इज़ ऑन रिकॉर्ड, ये मैं नहीं कह रहा, दिस इज़ द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान हु स्टेटेड कि जी मैं हर किस्म के इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार हूँ। तो अल्लाह का करम है, उस पर ऐसी कोई बात नहीं है, बस इसमें तफसील में अगर मैं जाऊँ तो मैं बहुत कुछ कह सकता हूँ
कि ये जो बात हो रही है कि ये पैसे कहाँ से आए, ये कहने वाली बात है। आपस में ऑफ द रिकॉर्ड आपको करता हूँ, कहते हैं रिकॉर्ड पे करते हैं या नहीं, लेकिन देखें ये कि पैसे कहाँ से आए, ये वो पैसा है जिसके लिए अभी पाकिस्तान नहीं बना था, लेकिन मियां शरीफ ने 1935 में यहाँ स्टील इंडस्ट्री का वो कर दिया था। जी जी देखें जी मैं इस पे ज़्यादा बात नहीं करूँगा। मैंने हमेशा, आपको भी मालूम है कि अगर अपोजिशन भी है उसके भी हमेशा एहतराम किया है, कभी किसी को बुरा नहीं कहा, लिहाजा इस पे भी मैं ये बात कौम पे छोड़ता हूँ और उन पे छोड़ता हूँ कि वो फैसला करें कि ये जो बात कर रहे हैं, इन्होंने तो जो बात की थी वो तो अगर देखें तो बहुत वाज़े तौर पे हो गया। इन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ को नाअहल करें, ये तो इनकी जीत तब होती कि खुदा ना खास्ता वो नाअहल हो जाते। उनकी नाअहली ना होना इस बात का सबूत है कि मियां नवाज शरीफ या पीएमएलएन ने ये केस जीत लिया है। अब उस पर फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के लिए उन्होंने इनकार नहीं किया, उन्होंने कहा कि मैं तैयार हूँ, ठीक है मैं करूँगा, जो भी जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी आई विल बी देयर, कभी पीछे नहीं हटे इससे, कभी नहीं कहा।